रूही के इस सच से दादी सा और विद्या होंगी खुश, मगर कब तक, क्योंकि रोहित की होगी एंट्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अभीरा और अरमान की जोड़ी खुद भगवान ने बनाई है, तो इस जोड़ी को कोई इंसान कैसे तोड़ सकता है। तो अब जो कोशिश हुई है दादी की तरफ से, एक डील हुई है कि मैं ये करूंगी तुम वो करना, और अभीरा ने कोर्ट में झूठी गवाही दे के अपनी विलनगिरी शुरू कर दी। अब अभीरा तो अपना काम परफेक्टली और ईमानदारी से कर रही है, और उधर रूही ने भी अपने कर्तव्य दिखाने शुरू कर दिए। वो सच बता दिया विद्या को, जो सच विद्या कभी जानती ही नहीं थी, और इस सच के आगे सोचना चाहिए था विद्या को कि अब तक रूही क्यों टिकी हुई थी इस घर में। मगर वो सब नहीं सोचा, उसने सिर्फ सोचा कि फटाफट से अरमान की शादी की शहनाई फिर से बजाते हैं, और दादी सा के साथ भी उसने बात कर ली। मगर वही जो मैंने कहा, जो जोड़ी भगवान ने बनाई है तो उसको ये इंसान कैसे तोड़ सकते हैं। तो रोहित की होगी वापसी। चलिए बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। रोहित के लिए अरमान ने अपने प्यार की कुर्बानी दी, ये बात विद्या तक पहुंच गई क्योंकि रूही ने यह बात बता दी। बड़ी ही चालबाज है ये रूही, हर टाइम पे अपना ही मोहरा सेट करने पे लगी रहती है। और ये बात जब विद्या दादी को बताती है, जो प्रीकैप में हमने देखा, वो अभीरा भी सुन लेती है। अब अभीरा तो अरमान से प्यार करती है चाहे वो दुनिया को कुछ भी कहे, मगर हमसे तो वो बता ही चुकी है, और ये बात रूही को भी पता है। नहीं पता है तो अरमान को नहीं पता है, और कहीं ना कहीं अभीरा ने आज अपने पापा के साथ भी झूठ बोला, क्योंकि वो ये सब बंधन तोड़ना चाहती है, क्योंकि वो चाहती है कि पापा मां के साथ अपना रिश्ता सुधारे। वो तो अपने सच की राह पे चली हुई है, मगर ये कड़वा सच जिसको लेके रूही आगे बढ़ना चाहती है कि अरमान और मेरा प्यार था, और वो अब भी हो सकता है, अब भी हम शादी कर ले वगैरह वगैरह। तो रूही ने जिस तरह से अबीरा को भी कहा कि चलो बैठ जाओ, थोड़ी देर अरमान के साथ टाइम कर लो, क्योंकि तुम तो अब जाने ही वाली हो, और अपने मन में कहा मैं तो आने ही वाली हूं, क्योंकि रूही के जो रास्ते का एक कांटा जो रोहित था वो तो निकल चुका, अब दूसरा कांटा अबीरा है वो निकलने वाली है, तो अब तो उसका रास्ता क्लियर है, अब तो शादी की बात वो करेगी ही, और उससे पहले वो विद्या को बेवकूफ तो बना ही चुकी है, उसके दिल में जगह बना चुकी है, दादी को भी यूज कर रही है, चाहे हम कहें सच्चा झूठा जो भी है, मगर कर तो रही है वो, और ये सब हो रहा है अरमान को पाने के लिए। अब क्या अरमान इस शादी के लिए तैयार होगा? चलिए एक बार मान भी लें कि प्रेशर में तैयार हो गया, तैयार हो गया क्योंकि एक टाइम पे प्यार तो था, मगर अगर अरमान पहले अपने भाई के लिए कुर्बानी दे सकता है, तो क्या भाई के आने के बाद रोहित अगर आता है, क्योंकि वो आने के उसके चांसेस है कि जब शादी पक्की होगी तब रोहित की एंट्री हो जाएगी, और अगर आता है तो क्या अरमान रोहित से शादी कर पाएगा, और क्या रूही तब रोहित के साथ रिश्ता निभा पाएगी? क्या घर वाले इस बात को जानते हुए कि अरमान और रूही प्यार करते थे, रोहित और जो रूही है उसके रिश्ते को किस नजर से देखेंगे? तो ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा होने वाला है, क्योंकि रोहित की एंट्री होगी तो ही ये सब चीजें सामने आएंगी कि कैसे जो है रोहित गया, और रोहित को यह सच पता था, और जिस चीज की अरमान के बारे में रूही कहती है कि उसने कुर्बानी दी, वो कुर्बानी रोहित के लिए कितनी महंगी पड़ी, क्योंकि ऐसी कुर्बानियों का कोई फायदा नहीं होता है, ऐसी कुर्बानियों से सिर्फ कई जिंदगियां बर्बाद होती हैं, जो कि इस धारावाहिक में दिख रहा है। क्या मतलब हुआ इस कुर्बानी का? रोहित तो प्यार करता था मगर रूही नहीं करती थी, तो रोहित के प्यार के लिए उसने रूही से शादी करवा दी, तो जब रोहित को पता चला तो वो जो भी हुआ एक्सीडेंट जो भी कुछ हुआ, तो ये चीजें कभी कुछ अच्छा नहीं लेके आती, अब भी अच्छा नहीं लेके आएंगी। अच्छा अगर होगा तो अभीरा का अच्छा होगा, अभीरा इस सब में से जो शाइन करेगी वो देखने में मजा आएगा, क्योंकि अब तो ये भी सच सामने आएगा, अभीरा शायद खुद बताए अरमान को कि इसलिए मैंने दादीसा से डील की, कि दादीसा इन दोनों के रिश्ते को सुधारेगी, और दादीसा कामयाब नहीं होगी क्योंकि अब अभीरा ने जो कहा है अपने माधव को कि मैंने तो भांग के नशे में कह दिया था, पापा आप तो सीरियसली ले गए, तो माधव का दिल टूटेगा, तो विद्या के पास तो कोई माधव का दिल जोड़ने की दवाई है नहीं, क्योंकि वो तो दादी सा के आगे पीछे घूमती रहती है,
तो लेट्स सी, क्योंकि बहुत अच्छा आगे आने वाला है ट्रैक, तो मजा आएगा देखने में। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.